आज पहले कैमरे के सामने ये तो आएगा क्योंकि इसको तो लेके आया हूँ मैं एप्पल को अपनी दोनों किडनी उधार रख के। सो फाइनली अब हम भी एप्पल एटमॉस्फेयर वाले हो चुके हैं, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बट इसकी अनबॉक्सिंग मैंने स्टोर पर ही कर दी थी, अब इसको दोबारा खोलते हैं यार, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है वैसे तो। चलो फिर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। सबसे पहले आपको बॉक्स ओपन करना है, तो ये इसका बॉक्स हो चुका है ओपन, इसको रखते हैं साइड में। तो सबसे ऊपर हमारा मैकबुक होएगा, तो ये हमारी मेन चीज, इसको रखते हैं साइड में 2 मिनट के लिए। और इसकी देखते हैं बॉक्स डिटेल, तो ये एप्पल का पेपर वर्क आपको पता ही है, डिजाइन बाय एप्पल्स, पर इनके होते हैं ब्लैक स्टिकर्स, इसको भी रखते हैं साइड में वो। और एक हमको मिलता है अडेप्टर एप्पल का जो कि है 67 वॉट्स का, और एक हमको मिलती है वायर। ऐसे ही जज मत करना मुझे, मैं इसको वायर को ओपन कर चुका हूँ ठीक है, पर और ये मैच से वाली वायर है। अब इन सब चीज़ों को करते हैं साइड में और आते हैं मेन लैपटॉप के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस। इसका जो स्क्रीन साइज है वो है 14 इंच का, एंड इसमें 512 GB की स्टोरेज है एंड 16 GB की यूनिफाइड मेमोरी। और इसकी जो कॉस्ट है मुझको पड़ी है 160K की, जो इसकी रियल कॉस्ट है वो है 195K। तो मेरे को डिस्काउंट कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना, मेरे साथ मेरा दोस्त था तो मैं उसको वहाँ ले गया, जब मैं बाय करने जा रहा था उसके पास थी स्टूडेंट ID, तो उस स्टूडेंट ID पे मेरे को मिला है 13% का ऑफ, और मैंने यूज़ करा था HDFC का कार्ड। कार्ड पे मेरे को मिला 10,000 का इंस्टेंट कैशबैक और 13% की स्टूडेंट ID पे ऑफ। तो मेरे को इसकी प्रॉपर कॉस्ट पड़ी है 1,60,400 कुछ रुपीस की, और इसकी एक्चुअल MRP 1,95,000 की। तो ये मेरे को बहुत अच्छे प्राइस पे मिला तो मैंने ले लिया। अगर आपको भी डिस्काउंट चाहिए तो आप एक तक यूज़ कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।